हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जिन्होंने जनवरी 2023 में प्रवेश लिया था, यानी जनवरी 2023 में जो प्रवेश हुए थे वो लगभग दोस्तों मार्च तक प्रवेश चले थे। तो इनके बीच में जिन्होंने भी प्रवेश लिया था और जिनका प्रवेश 17 जनवरी 2023 है, उनकी परीक्षा कब होगी, असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं, प्रैक्टिकल कब होते हैं, कैसे जानकारी मिलेगी, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और इस वीडियो के नीचे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन अवश्य करें। वहां पर दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के टेलीग्राम जो भी न्यूज आती है वो दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के जिन्होंने जनवरी 2023 में प्रवेश लिया है उनकी परीक्षाएं दोस्तों दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में दोस्तों लगभग शुरू हो जाएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों, अभी सितंबर है वो दोस्तों बीतने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पास बसे हैं और आपकी परीक्षा दोस्तों जनवरी में शुरू हो जाएगी। इस बार भी MOU समय पर अपनी परीक्षाएं करवा रही है। तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपनी 1 वीक सीरीज वो दोस्तों ऑर्डर करवा सकते हो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। दोस्तों ये 1 वीक सीरीज आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोस्तों इस 1 वीक सीरीज में जितने भी पुराने क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व किया हुआ है, यानी सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब, जितने भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दोस्तों आपको इस 1 वीक सीरीज में मिलेंगे। सिर्फ वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के लिए है, किसी भी गांव या शहर में आप बैठे हो आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपकी बुक्स पहुंचा दी जाएगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर दोस्तों मैसेज करें और दोस्तों कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो किसी भी समस्या के बारे में आपको पूछना है आपके एग्जाम के बारे में वगैरह में तो भी दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वो पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपकी परीक्षा है वो दोस्तों जनवरी में 2024 में आयोजित करवाई जाएगी और आपके असाइनमेंट है वो दोस्तों अक्टूबर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर जो आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट दोस्तों 15 नवंबर रहेंगी, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन फिलहाल आपके 15 नवंबर है वो आपके लास्ट डेट रहने वाली है और अक्टूबर में आपके असाइनमेंट जमा होना शुरू हो जाएंगे। आपको इस वेबसाइट पे जाना है वर्धमान महावीर की और यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हैं असाइनमेंट्स, इस असाइनमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके असाइनमेंट आ जाएंगे। जो भी आपका कोर्स है उसके आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उसके आंसर है वो दोस्तों आप लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हमारे पास BA BSc BLAS वगैरह इन MSc इन कोर्स के असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी उपलब्ध है जो बहुत जल्द हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन उनकी PDF है वो दोस्तों मिल जाएगी। और दोस्तों अब बात है प्रैक्टिकल की। दोस्तों सामान्यतः VMOU के कैलेंडर में ये होता है कि जो जनवरी सेशन है उनके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये कोरोना के बाद से सेशन लेट हो रहा है और प्रैक्टिकल का कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है, कभी भी शुरू हो सकते हैं एग्जाम के बाद में या फिर एग्जाम के पहले। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकल कब है? पहली बात तो है दोस्तों आपके प्रैक्टिकल का आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके इसी दिन प्रैक्टिकल है और यहाँ पर प्रैक्टिकल है और ये आपका सेंटर है, ये आपका प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले मैसेज आ जाएगा। प्रैक्टिकल कैंप जब भी होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है, किसी कारणवश मैसेज नहीं भी आ पाता है या फिर आपके पास जो आपने फॉर्म भरा था वो सिम कार्ड भी आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आपको समय समय पर इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक दी गई है ऐसे, तो इसमें आपको 4 नंबर पर प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, इस लिंक पर दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रीजनल सेंटर नहीं जो भी आपका संभाग लगता है वो दोस्तों मान लो जोधपुर लगता है जयपुर लगता है तो उस पर आप दोस्तों क्लिक कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आपके संभाग में जितने भी प्रैक्टिकल कैंप के नोटिस जारी है वो दोस्तों आपको यहाँ से दिख जाएंगे, जो भी BLIS BSc BSc जो भी MSc जो भी आपका कोर्स है दोस्तों यहाँ पे आपके नोटिस आ जाएंगे कि नोटिस कौन सी डेट हुआ है, वो डेट भी दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ये सब देख सकते हैं जोधपुर रीजनल सेंटर यानी जोधपुर संभाग में जितने भी है आपके जितने भी रीजनल सेंटर में जोधपुर में आपके सेंटर है उन सबके प्रैक्टिकल का नोटिस है दोस्तों यहाँ पे आएगा। जो भी आपका अलग अलग सेंटर है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं क्योंकि हर दिन नोटिस आता रहता है कोई ना कोई। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नोटिस आते हैं तो आप अपने कोर्स का यहाँ से प्रैक्टिकल का देख सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। कोई भी अगर आपको फिर से डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जिनके पेपर दोस्तों इस बार रह गए थे और इन्होंने नहीं दिए थे किसी ने कोई पेपर बाकी रह गया था तो दोस्तों आपके दिसंबर में डिफॉल्ट फॉर्म भर जाएंगे वो भी दोस्तों आप भर सकते हैं और अपना पेपर है वो जनवरी में दे सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।